फॉरेस्ट नाम रखा है इन्होंने। वैसे मुझे इनकी जर्सी बहुत अच्छी लगती है, मतलब इंडियन जर्सीज में इसी की जर्सी एक मुझे सबसे प्यारी लगती है। एशियन एंटिटी की बहुत प्यारी है और इनकी बहुत प्यारी है। इनकी नाइकी से कोलैब है, पता है किस ब्रो? और ओजी ओरैंगुटैन, इनका कोलैब नाइकी से। सोच तो नाइकी जल्दी किसी से कोलैब नहीं करती, नाइकी ने इनसे कोलैब कर रखा है। तो समझ जाओ भाई, इनका आउटफिट नाइकी डिजाइन करता है, नाइकी करता है। ई-स्पोर्ट्स ने दुनिया को काफी सारी चीजें सिखाई है, लेकिन उनमें से एक चीज ऐसी है जो हम कभी नहीं भुला पाएंगे। ये कौन है? और वो चीज ये है, चाहे कुछ भी हो जाए हम रहेंगे एक साथ। तो फाइनली स्वागत है आपका उस जगह पे जहां पे एप आर्मी रहने वाली है साथ में। वेलकम टू द फॉरेस्ट। ओ भाई, टीम तो बहुत प्यारी है। देखो जी की जर्सी, नाइकी का टिक। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस फॉरेस्ट को फॉरेस्ट जैसी वाइब दी है। तो इस फैसिलिटी को बनाने में हमने काफी ज्यादा मेहनत करी है, एंड हम इस फैसिलिटी को नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल ट्रॉफी से भर देंगे। तो फाइनली वो समय आ गया है जब हम आपका वेलकम करेंगे हमारे बूट कैंप पे। तो शुरुआत करते हैं हमारे रिसेप्शन एरिया से। तो ये है हमारे बूट कैंप के काफी इंपॉर्टेंट सदस्य है, मिस्टर जय पुजारी, मैनेजर। हे जय ब्रो, व्हाट्स अप भाई, क्या कर रहा है? 10 मिनट में तेरा मैच चालू होने वाला है। ओ, मेरा तो मैच है गाइस, पर दोस्त कब काम आएंगे। मुझे आपको अपना नया घर भाई, ये मुझे बेइज्जती नहीं कर रहा तो उनसे, मुझे ये फ्री फायर वाले लग रहे हैं। तो भाई हल्के से सर्च करते कौन है जॉन्टी, मैंने देखा है, मुझे लगता है 2.84 मिलियन। हाँ यही तो है, 30K भाई, 7 मिलियन, 5 मिलियन, 4 मिलियन, 4 मिलियन, अच्छा जॉन्टी जी, जॉन्टी गेमिंग है। हमारा भी यही हाल चल रहा है, अभी के में बातें चल रही है। Ryzen 9 and 30 Ti for इस फैसिलिटी चिल जोन। यहां हमारे सभी प्लेयर्स और कंटेंट क्रिएटर एक साथ चिल करते हैं और अपना कंटेंट देखते हैं। भाई देखो, ये सिर्फ नाम का होता है गाइस, कोई चिल विल नहीं करता। हमारा भी बूट कैंप था, कोई चिल पिल नहीं होता है। महंगा सब अपना अपना काम करके थके पड़े रहते हैं अपने रूम में। महंगा सब है, कोई इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है। कभी हुआ कुछ स्पेशल तो आते हैं, ऐसा कोई चिल्ली होता जो यार दिखा रहे ना, अभी वहां पे बैठ के एक दूसरे की बाबर कर रहे होते हैं। इंडियन लॉन्डे जैसे मेरे व्लॉग्स, मूवीज और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंटरनेशनल और के मैचेस। खत्म होने के बाद हमारे प्लेयर्स यहाँ पे पूल खेलते हैं, मतलब पूल खेलने का नाटक करते हैं। जाओ भाई ग्राइंड करो। ये हमारे पीछे मैच के प्लेयर्स, मेरे पीछे है यहाँ पर एडिटर्स अरीना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूम है। अभी भी यहाँ पर मेरी ही व्लॉग की एडिटिंग चल रही है, तो इनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आपको हमारे फॉरेस्ट से ढेर सारा कंटेंट देखने को मिलने वाला है, और इस कंटेंट को, ओ भाई ये लॉजिटेक का वायरलेस वाला है। ओ भाई कितना अच्छा इसमें प्रिंट करवाया इन्होंने अपना लोगो, प्यारा भाई, सुंदर, ब्यूटीफुल, नाइस नाइस, बहुत प्यारा लग रहा है। दिन रात एडिट करने के लिए हमारे एडिटर्स को बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। आइए
अब मैं आपको दिखाता हूं मेरा सेकंड फेवरेट रूम जो कि होने वाला है स्टूडियो। और एंगोटेन ने हम क्रिएटर्स के लिए एक ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो बनवाया है और मेरी सारी वीडियोस यहीं पे शूट होती है। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि स्टूडियो में आज मेरा क्या शूट है। दोस्तों कुछ भी कहो, ऐसे स्टूडियो में कंटेंट क्रिएट करते वक्त इतना मजा आता है ना कि मन करता है कंटेंट बनाता ही रहूं और बनाता ही रहूं। आपको याद है कि मैंने कहा था कि स्टूडियो मेरा सेकंड फेवरेट रूम है क्योंकि मेरा फेवरेट रूम है हमारा किचन। यहां हमारे लिए एकदम लजीज खाना बनता है और जैसा कि आपको पता है कि ईस्पोर्ट प्लेयर पूरा दिन टूर्नामेंट खेलते हैं तो हमारे बूट कैंप में उनके न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखा जाता है। वैसे किचन में बाकी प्लेयर्स को आना अलाउड नहीं है लेकिन मैं थोड़ा एक्सेप्शन केस हूं तो आज खाने में बना है पास्ता। मैं टेस्ट करके बताता हूं। एक नंबर बनाया। ये है हमारा डाइनिंग एरिया और हमारे बूट कैंप का एक रूल है कि हम कितने भी बिजी हो, कितना भी टूर्नामेंट खेल रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन हम खाना साथ में खाते हैं। खाना साथ में खाते और I welcome you all to the Orangutan Esports Floor. So guys, we put a lot of efforts in making this floor look sleek and futuristic. So we have planned this house keeping in mind giving a futuristic look, giving some gaming vibes as well so that players feel comfortable when they're playing. You know, प्लेयर्स को भी थोड़ा गेमिंग अरेना के वाइब्स आए, उनको लगे एक एकदम टॉप नॉच गेमिंग अरेना में कम्पीट कर रहे हैं। एंड वी हैव अ सेट ऑफ रूल्स इन द फ्लोर लाइक देयर इज नो ईटिंग ऑन द फ्लोर टू मेंटेन द क्लीनलीनेस। अगर वो रूल ब्रेक करते हो तुमको पनिश तो होना ही है। आई एम वेरी प्राउड टू प्रेजेंट अ वेरी ओन वैलोरेंट रूम। The Valor Room consists of 6 PCs, 5 for the players and 1 for the coach. So we have provided the players a very monstrous PC with consisting of Ryzen 9 and 3080 Ti for all the PCs. They also have their custom headset and mouses where we got it customized from Logitech and Foxman Box as well. So we have planned Valor Room in such a way that it gives them LAN feel where they all 5 sit together. You know, we also provided them the GoPros, you know, to capture all their moments, the rage moments, you know, the winning moments, all the stuff. GoPro diya hai bhai, normal camera bhi nahi, GoPro. So in the same facility, we have esports room for both BGM and FIFA with the same setup. The boys are practicing right now, but I have special access. The coach has a PC where he can review all the awards, review what the players are doing. And the players have Cybert gaming chairs with GoPros attached on the table. And we also have a couple of maps on the wall where, you know, at the last moment, if they want to do any changes, it's on the map, as you can see, and deliberate in the game. So guys, this is a special room. This room is so unique that it can be found only in the forest. So presenting to you, the vault room. So yahan pe sare players and coaches saath mein baithke gameplay dekhte and analyze karte hain. So guys, this is my cabin. This is also my workstation and this is where I stream, this is where I make content. But most importantly, this is where the esports happens. So myself, when I started gaming, I started from a gaming cafe. I really like never owned a gaming PC. It feels very good to have my own cabin. Oh, same RAM mere paas hai bhai.
So with the 3-screen setup, I'll be able to monitor the players on the one hand. On the other hand, I can watch the wards as well. And on the other hand, I can play games as well. So this gives me advantage over monitor. अबे सेम है भाई, मेरा रैम भी यही है मेरे पास, मेरा पीसी भी तो टॉप में चल रहा है। हल्के से। So coming to the streaming rooms, sniper उसके पास, beef नहीं। कोई beef नहीं देखा, मतलब beef मत तो। So just like my streaming room, we have provided all the players with their very own customized streaming rooms where they can play and make content for Orangutan as well. Each player has a very own specialized and customized cabinets, mouse, headsets, oh, and all the peripherals, including mic. Yes! इंडिया के बेस्ट ई-स्पोर्ट्स फैसिलिटी में रहूंगा तो एक ई-स्पोर्ट्स प्लेयर के लेवल तक तो पहुंच जाऊंगा ना। अरे बैठ जा, एक ही गोल किया है। खैर छोड़िए, इस एरिया को देखकर आप ये तो पहचान गए होंगे कि यहाँ पर हमारे प्लेयर्स टूर्नामेंट्स में बूम बाम मचाकर आग लगाकर रिलैक्स करने आते हैं। बिलीव, ज्यादा रिलैक्स नहीं हो रहा है? घंटे ग्राइंड करने के बाद हमारे प्लेयर्स यहां पर आ जाते हैं और अपनी एनर्जी को रेनर्जाइज एंड रिचार्ज करते हैं। अब चाहे वो जॉन्टी भाई को पीएस पे टेक इन में चैलेंज करें या बस यहां के नजारे का मजा उठाएं, यहां सभी रिलैक्स कर अगले दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। सो ये एरिया हमारा लिविंग एरिया है जो हमारे सभी रोस्टर्स ने मिलकर इसको कस्टमाइज किया है बहुत ज्यादा डिटेल्ड वे में। यहां पर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह दिखाने वाला हूं, वो है हमारा वॉल ऑफ स्नीकर्स। जितने भी लोग ई-स्पोर्ट्स को डाउट करते हैं, ये वॉल उन्हें रॉन्ग प्रूफ करता है और हर रोज हमारे प्लेयर्स को यही याद दिलाता है कि ग्राइंड इसी तरीके से जारी रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। इसी फ्लोर पर हमारे तीनों रोस्टर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छे स्पेशियस रूम्स हैं विद कंफर्टेबल बंक बेड्स एंड प्राइवेसी। यहाँ प्लेयर्स सोने का बस नाटक ही करते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं। रूम व्यू तो ऐसा है जो सुबह उठते ही दिन बना देता है सबका। वेलकम एवरीवन टू द बेस्ट फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट। ये फ्लोर दो रीजंस के लिए स्पेशल है। फर्स्ट रीजन इज द व्यू। तो प्रेजेंट लगा था कि ये एरिया अनयूज जाएगा, बट एज यू कैन सी हमारे एमडीपी साहब यहां पे चेस का वर्कआउट कर रहे हैं। ए भाई जंबी है फक, ए भाई एज एन ईस्पोर्ट्स प्लेयर वी यूजुअली स्पेंड 7 to 8 hours सिटिंग ऑन द डेस्क विद आवर डिवाइसेस एंड आवर पीसीज एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी टू बी एक्टिव। That's why Orangutan has provided here with the gym. चलिए मैं भी अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देता हूँ। At the end, the ape army stays together because we're stronger together. And you know how we roll. Come on, guys. Bye.